वेलकम टू बनिहाल। और श्रीनगर कर्फ्यू के चलते हमें रहना पड़ा है यहाँ। पुलिस वालों ने हमें रोक दिया है, अब इन्होंने रोक दिया, ये बाकी भी राइडर्स हमारे को यहाँ मिल गए हैं, ये यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं। सो अब रात को 9-10 बजे तक हमें यहीं रुकना है, तो सोचा बनिहाल के वादियों के मज़े लें। तो बहुत ही खूबसूरत ये वादियाँ, ये बादल सो वेलकम गाइस, आज डे टू ऑफ आवर लद्दाख एंड स्पीति राइड। आज हम लोग पहुंच गए हैं स्पीति। बहुत जल्दी हो रही है स्पीति पहुंचने की। सो गाइस, आज हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। कल रात में पहुंचे थे और थोड़ा सा मतलब कुछ जो यहाँ एज यूजुअल कुछ इश्यूज रहते हैं कर्फ्यू वगैरह के, तो उसको लेके हमें कुछ समय बिताना पड़ा था पटनी बनिहाल और श्रीनगर हाईवे पे। सो 5 घंटे रोड पे बैठने के बाद देन हम लोग रात में 11 बजे पहुँचे श्रीनगर। सो कोई भी अपडेट उसमें प्लेस नहीं कर पाए। सो वत्सल टुक द चैलेंज के ये जब इस राइड से वापस जाएगा तो ये स्लिम ट्रिम होके जाएगा, आएगा आएगा वापस आएगा। आ जा हाँ भैया, कल का हमारा जो ट्रिप था भाई, कैसा रहा ट्रिप? अल्टीमेट, रोड पे बैठ के और ज्यादा मजा आ गया, अलग एक्सपीरियंस। कैसा था मतलब श्रीनगर वाला जो हाईवे था? Awesome. हम लोगों ने जो रॉकेट बनाया ना। और वो कहते हैं ना, किसी भी जगह की जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत जब बेहतरीन होती है ना, तो बस बाकी तो नज़ारे ही आ जाते हैं। कैसे, जब हम वहाँ से निकले, निकलने के बाद हमारे को मिला टनल। टनल था कम से कम भी 5-6 किलोमीटर, खत्म ही नहीं हो रहा था, लंबा खत्म ही नहीं हो रहा था। तो पूरे टनल में मतलब जैसे कहते ना, बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है, हो ऐसा लग रहा था। बस अरे क्रूजर मोड पे डाल के हमने बाइकें छोड़ दी और बस चले जा रही है। पीके बताया अपने पीके? हाँ, और अरे एक हमारे को पीके भी मिला था। पीके बोले तो अपना वो जो मूवी वाला पीके है, वो वाला सेम वही येलो हेलमेट पहन के, केरला का मेरा कोई भाई था। और भाई क्या एंटरटेनिंग पार्ट था, जबरदस्त। अरे भाई कभी गलती से तू वीडियो देख लेना तो तेरे लिए। राइड करके थक ही नहीं रहा था। हम लोग वहाँ शांति से बैठे थे कि अपना समय बचाओ, एनर्जी बचाओ, जब खुलेगा तो श्रीनगर पहुँचेंगे। वो मेरा भाई वहीं से कभी इधर जाए बाइक लेके, कभी उधर जाए बाइक लेके। मेरे भाई ने झाज बना रखा था बाइक का। सो आज ऐसा लग रहा है कर्फ्यू के चलते हम लोगों को श्रीनगर में ही थर्ड डे जो है वो यहीं हॉल्ट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो लोकल एरियाज हैं, जैसे सबसे पहले डल लेक एंड एक बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे, किसका है, हनुमान जी का है या शिव जी का, किसी का है, नॉट कन्फर्म्ड येट। सो वहाँ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज के दिन में हम लोग गुलमर्ग को एक बार कवर करें। और ऐसा हुआ तो ये तीसरा दिन हमें दुख नहीं लगेगा इसका, नहीं एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे हम, बिल्कुल हम लोग दुख नहीं मनाते। सो यहाँ से निकल के जाने का हमारे को कारगिल, कारगिल पहुँचेंगे तो देखेंगे स्टे का कुछ बनेगा, अदरवाइज देन विल मूव फॉरवर्ड एंड ये कहानियाँ चलती रहेंगी। और भूख लगी है भाई को, पहले खाना खा लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना। इन हसीन वादियों में स्वागत है मेरे भाई सभी लोगों का। और कोशिश करेंगे यहाँ से टाइमली हम लोग निकलें, और टाइमली निकल के एंड देन एक बार आपको डल लेक के कुछ शॉर्ट्स इसमें लेंगे इस व्लॉग में, एंड देन अगर गुलमर्ग गए तो गुलमर्ग का हम लोग स्पेसिफिकली एक व्लॉग कवर करेंगे। और ये खड़ा अपना चीता पीछे, ये खड़ा चीते को देखो, मतलब इस लेह लद्दाख जाने के चक्कर में बेचारा एक्साइटमेंट में इतना गंदा हुआ बैठा है। मैंने इसे बोला था, मैं कह नहा दो के चल, बोला ना लद्दाख तो ऐसे ही जाएंगे बिना मुँह धोए। इसको भी देखो यार, इसको भी देखो,